हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ रेलवे फिजिकल टेस्ट के लिए जाने कितनी मीटर दौड़ है जरूरी। तो चलिए ये शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो। जैसा कि दोस्तों इस साल रेलवे में भर्ती के लिए भारी मात्रा में भर्तियां निकाली गई हैं, इससे अच्छा और सुनहरा मौका छात्रों के लिए और नहीं हो सकता। हम आपको बता दें कि इसमें से ग्रुप डी लेवल पर 62,907 पद हैं, जबकि पूरी पदों की संख्या 90,000 है। आरआरबी ग्रुप डी की इतने सारे पदों पर होने वाली भर्ती ट्रैक मेंटर, गेटमैन, पॉइंटमैन, कीमैन, कैबिनेटमैन इत्यादि जैसे पदों पर होगी। इन पदों के लिए अभ्यर्थी को फिजिकल टेस्ट पास होना अनिवार्य होगा, तभी उनका फाइनल चयन माना जाएगा। जैसा कि रेलवे ग्रुप डी फिजिकल टेस्ट पास करने के लिए अहम बिंदु, जैसा कि जो भी अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट की तरफ सीरियसली देख रहे हैं, मसलन जिनको इस तरफ अपना करियर बनाना है, वो बहुत ध्यान से वीडियो में दी गई जानकारी को सुने और उसी हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करें। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही भाग लेंगे, लेकिन दोनों के लिए फिजिकल टेस्ट के मानक अलग अलग हैं। जैसा कि बता दें आपको, पुरुषों को 35 किलो का भार 2 मिनट के भीतर 100 मीटर तक लेकर जाना होगा। इसके अलावा 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होगी। तो वही महिलाओं को 20 किलो का भार 2 मिनट के भीतर 100 मीटर तक लेकर जाना होगा। इसके अलावा 1000 मीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होगी। सबसे अहम बात, उम्मीदवारों को इस बात का ध्यान रहे कि ये फिजिकल टेस्ट एक बार ही होगा। जो भी उम्मीदवार अगर इससे निकल नहीं पाता है तो वो चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा, चाहे उसके कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में कितने ही अच्छे अंक क्यों ना आए हों। जैसा कि दोस्तों अभी के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन आगे आने वाली ऐसी अपडेट से वाकिफ रहने के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और करिए इंतजार हमारी अगली अपडेट का। और हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।